हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज नेगी LBS कॉलेज हरदा क्वालिटी एजुकेशन वीडियो के साथ एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय है बिजनेस मैनेजमेंट और हमारा टॉपिक है प्लानिंग। नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है, हमारे मुंह से उच्चारण होता है, हमारा प्रोनंसिएशन करते हैं प्लानिंग, समझ में आ जाता है कि हमें आने वाले समय के लिए कुछ तैयारी करनी है, कल के लिए कुछ तैयारी करना है। इस विषय के साथ जुड़ने वाले मैं विद्यार्थियों को एक ही चीज़ कहूँगा, जिस स्टूडेंट ने अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट के साथ प्लानिंग रखी है, उसका जीवन हमेशा सफलता की ओर है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है प्लानिंग। व्हाट इज ए प्लानिंग? हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज ए प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग किस तरह से आगे बढ़ती है? जब हम अपने जीवन को किसी नए क्षेत्र की ओर ले जाना चाहते हैं, नए एरियाज की ओर ले जाना चाहते हैं, तब वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण योजना कार्य करती है, जो प्लानिंग में हिंदी में कहीं ना कहीं हम उसे नियोजन या योजना के नाम से पुकारते हैं। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे व्हाट इज ए प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, इसे हिंदी में नियोजन या योजना के नाम से पुकारा जाता है। हमारा जीवन पूर्ण रूप से योजनाओं पर आगे बढ़ता है और जब हम योजनाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपका किया हुआ कार्य सफलता की ओर जाता है। हमारे जीवन में प्लानिंग अर्थात नियोजन का विशेष महत्व है। बिना प्लान करे किसी भी कार्य या परियोजना को करना मुश्किल होता है, पर अगर आप प्लान करके साथ करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़े कार्यों को करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी व्यवसाय में प्लानिंग को करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसी स्लाइड्स मेंशन करने जा रहा हूँ जिसमें प्लानिंग और प्लानिंग के जो पार्ट्स होते हैं वो सामने आएंगे। जैसे हम देखते हैं व्हाट इज ए प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। प्लानिंग में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स, स्ट्रेटेजी, डेवलपमेंट पार्ट्स एंड सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं हमारे रिजल्ट्स, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करके ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कराने में हमारी हेल्प करती है। इसीलिए प्लानिंग को दो भाग दिए हैं, दो पार्ट में बांटा है, द टू पार्ट्स ऑफ प्लानिंग, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल प्लानिंग में राइटिंग वर्क नहीं होता है, मतलब वहाँ पर एक ऑरा बना दिया जाता है, एक वातावरण बना दिया जाता है, क्लाइमेट बना दिया जाता है कि इस तरह से हमें आगे बढ़ना है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्स होते हैं वो बहुत शॉर्टली होते हैं, मतलब आज डिसाइड किया और अगले एक घंटे में हमें उसे अचीव करना है, दैट इज़ द शॉर्ट गोल्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जनरल लैकिंग होती है, वो लैकिंग सब्जेक्ट से जुड़ी हुई गहराई की होती है, यहाँ पर बहुत कम गहरे विषयों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम फॉर्मल प्लानिंग में आते हैं तो यहाँ प्लानिंग हमेशा रिटर्न में होती है। आपकी स्ट्रेटेजी, आपके गोल्स, आपकी पूरी प्लानिंग रिटर्न में होती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। आगे चलते हैं, हमारे जो गोल्स होते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक गोल से मेरा मतलब है उस गोल का इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में भी बहुत है और जब आप उस गोल्स को पूरा कर लेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को, हमारे ओवरऑल वर्ल्ड को। इसके बाद स्पेशल एक्शन प्रोग्राम एग्जिट टू अचीव द गोल्स। आप स्पेशल प्रोग्राम्स करें जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। एक सिंपल सी स्लाइड मैंने आपके सामने दी, व्हाट इज अ प्लान। हमारे दिमाग में ये शब्द शब्द घूमते रहते हैं, आपको स्लाइड्स पे दिख रहे हैं। सबसे पहले वेयर, When, how, what, who, why, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये शब्द के बिना हमारे जीवन असंभव है। आप देख रहे हैं कि इन शब्दों को आप अपने जीवन में कितनी बार यूज करते हैं, लेकिन अगर इन शब्दों का प्रयोग अगर आपने अपनी प्लानिंग के साथ किया तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे सफल व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों को प्लानिंग देकर। तो आप याद रखिएगा, एक स्टूडेंट को कब, कहाँ, कैसे और किस तरह और क्यों करना चाहिए, इन शब्दों का महत्व आपको अपने जीवन में सीखना पड़ेगा। और आज हम
प्लानिंग में यही चीज़ सीख रहे हैं कि जब हम इन शब्दों को प्रॉपरली यूज़ करते हैं और उन्हीं के हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं तो आपके गोल्स अचीव होंगे, आपकी स्ट्रेटेजी कभी फेल नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं। प्लानिंग का एक पूरा सर्कल होता है, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी की एक लाइफ साइकिल होती है, हम पैदा होते हैं, हम जवान होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, ठीक उसी तरह से प्लानिंग भी एक लाइफ साइकिल में चलती है। कुछ उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि गोल ओरिएंटेड। आपकी जो प्लानिंग होना चाहिए ना वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब उस प्लानिंग के दम पर आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। आगे चल रहे प्रीवियसली, ये इतना मजबूत शब्द है जो स्तंभ होता है आपकी ज़िंदगी में। स्तंभ कौन है? क्या आप स्वयं अपनी ज़िंदगी के स्तंभ हैं, या किसी को अपना आइडियल मानते हैं, या किसी एम्बिशन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? इसके बाद कंटिन्यूस एक्टिविटी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यूस एक्टिविटी। आपके जीवन में जिस तरह से हर एक्टिविटी एक के बाद होती रहती है, ठीक उसी तरह से प्लानिंग में भी कंटिन्यूस एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। आप जब प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग को सफल करने के लिए, सक्सेस करने के लिए आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है एक के बाद एक रन करना चाहिए। एक्चुअल इंटरनल और एक्चुअल जो प्रोसेस होती है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सर थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा ना, ध्यान रखें इंटेलेक्चुअल है ना, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल प्रोसेस द पार्ट ऑफ प्लानिंग। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो होती है वो प्लानिंग का एक हिस्सा होती है, क्योंकि जब हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं वो प्लानिंग से अगर बाहर निकल जाएगी तो हम कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग को फेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक आपकी प्लानिंग आज की नहीं होना चाहिए, आज के साथ साथ आप भविष्य को भी टारगेट करके चले। मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को प्लान करें, और इन दोनों को प्लान करने के लिए आपको अपने अतीत को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। डिजाइन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग द पार्ट ऑफ प्लानिंग। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो डिसीजन से जुड़ी हुई होना चाहिए। और अगला आ रहा है मैनेजियल फंक्शंस। मैनेजियल फंक्शंस जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर्स टू हमारी वर्किंग लॉबी जब तक आपस में क्लब होकर प्लानिंग नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं हो सकता। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता उसकी बेस्ट प्लानिंग पर ही डिपेंड करती है। आपके सामने एक हिंदी रूपांतरण आया है प्लानिंग का। नियोजन का तात्पर्य योजना बनाने से, हालांकि नियोजन को किसी परिभाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का मतलब है कि नियोजन का तात्पर्य है योजना बनाने से, और इसको हम किसी परिभाषाओं में बांधें ये संभव नहीं है, क्योंकि इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा और विस्तार स्वरूप है जिसे अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने प्रेजेंट किया। हमने एक परिभाषा ली है रॉबिन्सन के अनुसार, लक्ष्यों का निर्धारण करने का विकल्प प्रयोग करते हुए कार्य करना ही नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। मतलब सबसे पहले आपको अपने गोल्स डिसाइड करने, और गोल डिसाइड करने के बाद उन्हें अचीव कैसा करना है उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। मैनिंग, हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग की ओर बढ़ते हैं। प्लानिंग फॉर्म दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हमने जैसे ही मीनिंग ऑफ प्लानिंग को स्टार्ट किया तब आ रहा है प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिस तरह से हमारे शरीर में ब्लड होता है, रक्त वाहिनी होती है, ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट में जो स्ट्रक्चर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर टू एम्प्लॉयज, सबके बीच में एक रक्त वाहिनी की तरह कार्य करती है प्लानिंग। क्योंकि जब मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपने व्यूज रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के सामने, एम्प्लॉयज़ जब उन्हें उसको स्टेबल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जब अपनी प्लानिंग्स बताते हैं, वो जिस तरह से वर्क करती है ठीक उसी तरह से प्लानिंग फॉर्म दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये सर्कल जो है प्लानिंग प्रोसेस का है, किस तरह से प्लानिंग की प्रोसेस की जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। आपको एक ऐसा प्रेमिसेस डेवलप करना होगा जहाँ इनोवेटिव थॉट्स हों, जहाँ कुछ सोचा जा सके और पॉजिटिव थिंकिंग को ब्रॉड किया जा सके। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हमेशा अपनी प्लानिंग के दौरान हमें प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री मैनेज करके चलना चाहिए। यदि हमारा पहला प्लान फेल होता है तो हमें सेकेंड ऑप्शन क्या लेके चलना है। इसके बाद इवेल्युएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस,
जिस तरह से हमारे पास आइडेंटिफाई कोर्सेज होते हैं उसी तरह से हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी हमारे पास होना चाहिए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहकर रखता हूँ कि अपने करियर को प्लान करते समय, जब आप करियर को प्लान करते हैं तो वहाँ टू वे करियर नहीं होना चाहिए, बट एक अपना जो डिसाइडेड करियर है उसे मैनेज करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए आपको अल्टरनेटिव्स और आइडेंटिफाइड कोर्सेज लेना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स का मतलब है कहीं नहीं आप जब आगे बढ़ते हैं तो उनमें से किसे सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई पोर्शन को या फिर इवेल्युएटिंग सो अल्टरनेटिव कोर्सेज को। आपको खुद को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्लान मेरी फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर है। इम्पॉर्टिंग द प्लान, अब कौन सा प्लान इम्पॉर्टेंट है, प्लान ए इम्पॉर्टेंट है जो हमें बहुत जल्दी सक्सेस दिलाएगा, या फिर प्लान बी जो स्लोली स्लोली चलेगा बट सफलता की ओर जाएगा, सक्सेस की ओर जाएगा। क्या प्लान सी ऐसा हो सकता है जो हमें असफलता मतलब हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा राह लाके खड़ा कर दे कि हम आगे क्या करें, आगे चलते हैं। फॉलो अप एक्शन में आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि जो आप फॉलो अप ले रहे हैं वो आपके एक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनका फ्लो कुछ और होता है, प्लानिंग का फ्लो कुछ और होता है, और उसका फॉलोअप जब मिलता है तो वो थोड़ा सा दिशा से भटक जाता है। सेटिंग द ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जब आप अपने गोल्स डिसाइड करते हैं वहीं पर आप सेटिंग द ऑब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चले, हमारे उद्देश्य क्या है हमारे इन गोल्स को चुनने का, और जब हम इन सबको आपस में कोलैबोरेट करते हैं तब हमारी कंप्लीट होती है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस को हिंदी में एक बहुत सिंपल भाषा में प्रस्तुत किया गया है कि यह भविष्य में झांकने की एक प्रक्रिया है। आज हम बैठकर कल का निर्धारण करते हैं कि हमारा कल कैसा होगा, कल का सूरज कैसे निकलेगा। तो प्लानिंग ऑफ प्रोसेस जिसे हम हिंदी में नियोजन प्रक्रिया के नाम से पुकारते हैं, वहाँ हम सामान्य भाषा में यह कह सकते हैं कि हमें कल क्या करना है, हम कल छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य के लिए एक प्लानिंग, एक रूपरेखा तैयार करते हैं। और जब इस रूपरेखा को हम धैर्यपूर्वक उद्देश्यों के साथ और सबसे महत्वपूर्ण जिन गोलों को डिसाइड कर रहे हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारियों का एक कलेक्शन करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही एक बहुत अच्छी प्लानिंग तैयार होती है और सफलता निश्चित होती है। प्लानिंग के महत्व को और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को देख पाए हैं, उम्मीद है विद्यार्थियों आज का हमारा छोटा सा टॉपिक प्लानिंग आपको समझ में आया होगा। मैं जाने से पहले केवल आपको एक ही बात कहकर चाहूँगा, द लाइफ इज प्लानिंग, प्लानिंग इज अ लाइफ। दोनों लाइनों को हम आगे लेकर गए या पीछे लेकर गए, प्लानिंग इज अ लाइफ। जिंदगी में अगर प्लानिंग नहीं है तो कल के दिन क्या होगा ये आपको और मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कल क्या करना है। धन्यवाद मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बाय बाय।